तुझसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज के क्लास विशेष रूप से मैं लेना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो ईसाइयों पर अत्याचार कर रहा है, क्रिस्तीय धर्म को जड़ से नष्ट करना ये लक्ष्य लेकर के कुछ लोग कार्य कर रहा है। क्रिश्चियन धर्म का शुरुआत से लेकर के हमें मिलता है उसके ऊपर अत्याचार। ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य बनकर के संसार में आया, उनके ऊपर भी यही अत्याचार हुआ। सत्य का प्रेम का संदेश देने वाले, मानव जाति को मुक्ति देने वाले, संसार में शांति लाने का कार्य करने वाले, और आज भी जो क्रिश्चियन लोग संसार के शांति के संसार के उन्नति के लिए जो कार्य कर रहा है, लेकिन शैतान ये नहीं चाहते हैं। इसलिए आदिम कलीसिया से लेकर के आदिम कलीसिया क्या ईसा मसीह के साथ भी जो अत्याचार हुआ, उन्हें जो क्रूस दंड दिया, क्योंकि वो अच्छा कार्य किया, भला कार्य किया, उनमें कोई पाप नहीं था, वो कोई पाप नहीं करता था, लेकिन पापियों के साथ रह करके उन्हें पाप से मुक्ति देने का कार्य किया, पापियों के लिए पाप का प्रायश्चित करते हुए वह उन्हें मुक्ति दिया, और उनके जितने भी फॉलोवर्स प्रभु का वो संदेश, प्रेम का संदेश, शांति का संदेश संसार को दे रहा है, लेकिन अनेकों लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। वे लोग जैसे अनपढ़ लोगों को पढ़ाने का, जो सड़कों पर पड़े हैं उन्हें गले लगा करके उन्हें सांत्वना देने का, उन्हें शरण देने का जो कार्य कर रहा है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। जैसे मदर तेरेसा हमारे भारत देश में आकर के कार्य किया, लेकिन अनेकों क्रिस्त विरोधी लोग उसको भी जो धर्म परिवर्तन के नाम से उसका विरोध किया, और यही कह करके आज भी क्रिस्तीय लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, भारत के कोने कोने पर चल रहा है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की घटना और अन्य अनेकों जगहों पर प्रतिदिन ये कार्य चल रहा है, सतावट चल रहा है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और साउथ में कर्नाटका हो, अनेकों जगहों पर क्रिश्चियों के ऊपर सतावट चल रहा है। उनके चर्च को तोड़ रहा है, जहां उनकी प्रार्थना सभा है उसमें आकर के हंगामा मचाना है। मैं जबलपुर में था, हमें मालूम है हमारे कैथेड्रल चर्च में आग लगाया, और हमारा जो वार्षिक सत्संग जो चलता था, कन्वेंशन चलता था, वहां आकर के फोड़ दौड़ करना, रात्रि के समय पर जो लोग ठहरा है वहां आकर के हल्ला मचाना, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, डराना, ये इनका मकसद था। उन लोगों को जो क्रिश्चिय धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उनको समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये अज्ञानता के कारण है, इसी के कारण। इसलिए तो संसार में जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है, और उसी धर्म के लोग बोलते हैं
ये हम लोग हमारे लोग नहीं हैं। केवल धर्म का, भगवान का नाम लेकर के जो कर रहा है उस धर्म से नहीं जोड़ सकता। ना आतंकवाद में हम वो हिंदू है या ये मुसलमान है, ईसाई है, ये नहीं बोल सकता। वो धार्मिक जीवन जीने वाला ही नहीं है कि लेकिन धर्म के नाम पर ये सब कर रहा है। उन लोगों से मेरा कुछ आग्रह है, जैसे हमारे भारत देश में जितने भी इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है, एक और बात बोलना चाहूंगा। क्रिस्तीय धर्म धर्म परिवर्तन में नहीं बल्कि मन परिवर्तन में विश्वास करते हैं। मनुष्य का मन परिवर्तन हो, सत्य ईश्वर को जाने। जो लोग गलत विचार में, अंधविश्वास में, अविश्वास में पड़े हैं, उन्हें बचाने का कार्य क्रिस्तीय धर्म करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, मनुष्य बच जाए। कैसे बच जाए? ये हिंदू पुराण के अंदर या उनके वेदों में लिखा हुआ मिलता है। ये इस प्रकार का जो तोड़फोड़ कर रहा है, उन लोगों से थोड़ा पूछ करके देखो, क्या आपने अपना धर्म ग्रंथ को पढ़ा है, सही रूप से उसको समझा है? मेरे विचार में 2005 की घटना है, जबलपुर में एक स्कूल में आक्रमण के लिए कुछ लोग आए थे। मैं उनका गुट का नाम नहीं लेना चाहते, वहां मैं भी था, मुझे भी मार मिला है, मेरे नाक से खून आया, मेरे चश्मा तोड़ा, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन उन लोगों से भी ये सवाल किया, क्या आपने अपना धर्म ग्रंथ सीखा कभी? ये अज्ञानता का कारण, बाइबल में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी 4:4 में, अज्ञानता के कारण इनका अविश्वास इसलिए बढ़ रहा है, इन्हें अपने धर्म का ज्ञान की कमी है। मुझे मेरे पास एक किताब किसी भाई ने दिया, वो भाई स्वयं एक हिंदू विश्वासी था। जब वो अपना वो पुराना पुराण और वेद ये सब पढ़ना शुरू किया, तब उसी के अंदर उनको क्रिस्त के विषय में जानने का मौका मिला। इसलिए उन्होंने उसी से एक किताब की रचना किया। उस भाई से एक बार मेरा मुलाकात हुआ, उन्होंने वो किताब एक मुझे दिया, पढ़कर के मैं भी हैरान हुआ। जब वेदों में, पुराणों में, यह सब में यह सब लिखा हुआ है एक व्यक्ति के विषय में जो ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोग पाते हैं। कुछ उदाहरण मैं बोलना चाहूंगा। हम लोगों का क्रिस्तीय विश्वास के अनुसार जैसे योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 10:7 के अंदर ईसा मसीह ने कहा, द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं। और वाक्य 9 में भी यही लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मुझसे होकर के प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यदि किसी भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, आनंद जीवन चाहिए, उस ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रवेश करने का द्वार ईसा मसीह ही है। क्यों है? इसको मैं जैसे हिंदू वेदों में या उनके उपनिषदों में या पुराणों में जो लिखा हुआ बात है, कुछ बातें मुझे जो मिला हुआ है, मैं जो समझा है, उसको मैं यहां पर बता करके देना चाहूंगा। वेदों में अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर एक सारांश इस प्रकार से हम लोगों को मिलता है, ईश्वर से एक प्रकाश, एक ज्योति निकल करके वो ज्योति ईश्वर का पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्यगर्भा जो प्रजापति के विषय में जो लिखा हुआ है, वो उस ईश्वर का प्रकाश के विषय में। हमारा बाइबल में लिखा हुआ है योहन का सुसमाचार अध्याय 1:1-14 तक अगर हम पढ़ करके जाएंगे, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, आदि में वह ईश्वर के साथ था,
और उनके द्वारा ही सब कुछ का सृष्टि हुआ, उनके बिना कुछ नहीं हुआ। वाक्य 5 में आकर कहते हैं, वह ज्योति मनुष्यों की ज्योति था, वह ज्योति अंधकार में चमकती रही, अंधकार उसे नहीं बुझा पाया। क्यों नहीं बुझा पाया? क्योंकि वो ज्योति ही ईश्वर है। तो ज्योति से जन्म लेने वाला और वो मांस धारण कर मनुष्य बनकर के हमारे बीच में रहने वाला एक व्यक्ति के विषय में योहन का सुसमाचार दिया, एक वाक्य 1 से लेकर 14 तक लिखा है, और वाक्य 18 में आकर के लिखा हुआ है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया। अर्थात ईश्वर का पुत्र बन करके जन्म लेने वाला वो पुत्र, वो स्वयं ईश्वर, वो पिता ईश्वर को हम लोगों को प्रकट किया। अर्थात ईसा मसीह में हम ईश्वर का रूप देखते हैं। कुलोसियों का पत्र दिया है 2:9, अनेकों जगहों पर ईसा मसीह ईश्वर का प्रतिरूप है, ईश्वर है, पूर्ण रूप से वो ईश्वर है करके बाइबल में लिखा हुआ है, और इधर पुराणों में ये सब लिखा हुआ है। ईश्वर से निकलने वाला वो ज्योति मनुष्य बन करके, वो ही प्रजापति बन करके संसार का मुक्ति करने वाला बन करके आना है। तो बाइबल के अंदर लिखने वाला ये व्यक्ति, ये ईसा मसीही, वेदों में या पुराणों में ये सब कहाँ हम लोग पाते हैं? सामवेद के अंदर चांदा गोपनिषद में 1:67 के अंदर ये लिखा हुआ है, उस बलि पुरुष, उस याग पुरुष जो है पाप या कलंग उसमें नहीं होना चाहिए, वो सब प्रकार के पाप से परे होना चाहिए, मुक्त व्यक्ति होना चाहिए, उसमें कोई पाप नहीं, पाप में वो जन्म नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पापियों को बचाने के लिए आता है, पाप से संसार को मुक्ति देने के लिए आने वाला व्यक्ति है। उस याग पुरुष के द्वारा संसार को पाप मुक्ति मिलना चाहिए। यदि सामवेद में वो लिखा हुआ है, बाइबल का पुराना विधान के अंदर निर्गमन ग्रंथ 12:5 में उस बलि पशु के विषय में लिखा है, उसमें कोई कोढ़, कोई कलंग, कोई कमी नहीं होना चाहिए करके। और नए विधान के अंदर 2 कुरिन्थियों 5:21 के अंदर, और पेत्रुस का पहला पत्र 2:22 के अंदर लिखा है, ईसा मसीह में कोई पाप नहीं था, कोई कलंग नहीं था करके। यदि हम लोग यजुर्वेद को पढ़ेंगे, वहां पर सदपद ब्राह्मण में लिखा हुआ है, उस याग पुरुष के सिर पर जंगली जो पौधों का, जो कांटों का एक ताज बांधना जरूरी है। यदि हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27:29 में देखें, ईसा मसीह के सिर पर कांटों का एक मुकुट पहनाया था, जंगली जो पौधा है उसको तोड़ करके, वो कांटा वाला, उसको मुकुट के समान इनके सिर पर बांधा था। जो यजुर्वेद में, जो सदबद ब्राह्मण में जो लिखा हुआ है, उस याग पुरुष के सिर पर जो बांधना है, यहां पर हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं ईसा मसीह के सिर पर वो बांधा गया था। इसके बाद आइदेर ब्राह्मण 2:6 के अंदर लिखा है, अपने लोगों के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा ये टुकराया जाएगा, और इसे अपने लोगों के द्वारा बलि अर्पित करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, बलि जो वेदी के पास इन्हें लेकर के आएगा। ईसा मसीह के विषय में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27:22-26:73 में सब हम लोग पढ़ते हैं, उनके साथ रहने वाले,
और उनके अपने लोग इन्हें क्रूस दंड के लिए लेकर के गया। और साथ ही साथ ऋग्वेद 5:46 के अंदर लिखा हुआ है, उस याग पुरुष के को पीड़ा सहन करना पड़ेगा, उसको एक जुआ में बांधेगा, जिस प्रकार घोड़े को बांधता है उसी प्रकार जुए के साथ इसको बांध कर रखेगा, और उस जुए के द्वारा ये याग पुरुष उसको उठाते हुए चलेगा, उस जुए को उठा करके चलेगा, और उस जुए से वो कभी मुक्ति नहीं चाहता। नबी इसहाक का जो भविष्यवाणी हम लोग अध्याय 53 में पढ़ते हैं, उसके अंदर ईसा मसीह को क्रूस दंड देने का भविष्यवाणी, और मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस, हर सुसमाचार, चारों सुसमाचार के अंदर हमें यही मिलता है, इन्हें क्रूस दंड दिया, क्रूस लादा गया, वो क्रूस उठा करके वो कलवारी पहाड़ की ओर गया, वो क्रूस से दूर कभी भागा नहीं, क्रूस उठाने के लिए कभी इनकार नहीं किया, वो खुशी के साथ अपने को अर्पित किया, अपने को दे दिया है क्रूस पर अर्पित करने के लिए। तो ऋग्वेद के अंदर उस याग पुरुष के विषय में जो लिखा हुआ है वो हम लोग बाइबल के ईसा मसीह में देखते हैं, पाते हैं। इसके बाद शतपद ब्राह्मण के अंदर हम लोग पढ़ते हैं उस याग जानवर को, उस याग पुरुष को, उस बलि अर्पित करते हैं, उसको लकड़ी के साथ बांधना जरूरी है। अध्याय 101 सात में 3:1 उसका 3 में सब हम लोग यह पढ़ते हैं, जो बलि अर्पित करने के लिए जो याग पुरुष है उसको लकड़ी के साथ बांधना जरूरी है। लकड़ी के साथ बांधे बगैर उसको बलि अर्पित नहीं करना चाहिए। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23:33 में ईसा मसीह को लकड़ी के साथ अर्थात क्रूस के साथ बांधा करके हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ ये जो बातें यहाँ मसीह में पूरा होता हुआ भी हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। उसी प्रकार बृहदारण्य उपदेशित में लिखा हुआ है, उस याग अर्पित करने वाला उस पशु के शरीर से रक्त बहना जरूरी है, जैसे एक वृक्ष को काटता है उससे जो पानी निकलता है, उसी प्रकार उस मनुष्य से रक्त बहना जरूरी है। और बाइबल के अंदर हमें लोगों को मिलता है ईसा मसीह को, विशेषकर योहन का सुसमाचार अध्याय 19 का वाक्य 34, एक सिपाही ने उनके बगल में एक भाला झोंका, वहां से रक्त और जल निकला कर करके, जैसे यहां लिखा हुआ है बृहदारण्य उपनिषद में जो लिखा हुआ है वो मसीह के शरीर से बहता हुआ भी हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार हाइदेर ब्राह्मण 2:6 के अंदर लिखा हुआ है, उस बलि पशु का हड्डियां नहीं तोड़ोगे, उसका हड्डियां तोड़ना नहीं है, ये एक नियम लिखा हुआ है। उसी प्रकार बाइबल का निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12:46 में भी यही लिखा हुआ है, और योहन का सुसमाचार अध्याय 19 का वाक्य 33-36 तक पढ़ेंगे, वहां पर 3 लोगों को क्रूस दंड दिया था, दोनों डाकू गोबाया दैने जो था उनका एड़ियों में एड़ी तोड़ा गया था, हड्डी तोड़ा गया था, लेकिन ईसा मसीह के पास आया तो वो मरा हुआ पाया, इसलिए उनका हड्डी नहीं तोड़ा करके बाइबल में लिखा हुआ है। यहां पर जो लिखा हुआ आइदेर ब्राह्मण 2:6 के अंदर जो बताया हुआ बात यहां पर हम लोग देखते हैं,
मसीही में पूरा होता हुआ। और उसी प्रकार आयदेर ब्राह्मण 2:6 के अंदर अगला जो लिखा हुआ ये है, उस बलि पशु का जो चमड़ा है उसको कभी फाड़ना नहीं, काटना नहीं, उसको उसी प्रकार निकालना है जैसे जो मुर्गी को काटने के बाद उसका जो चमड़ा उसका पूरा फेदर के साथ निकाल रहा है, उसी प्रकार इस याग अर्पित करने वाला उस पशु का जो है चमड़ा काट करके निकालना नहीं, बल्कि उसी प्रकार एक साथ निकालना है करके लिखा हुआ है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 23-24 तक हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह का कुर्ता भी इसी प्रकार निकाला। इसका मतलब वहां का जो जानवर का जो चमड़ा, यहां पर हम लोग देखते हैं मसीह के कुर्ते में पूरा होता है, बाकी सब कपड़ों में चिट्टी डाला लेकिन कुर्ता ऊपर से नीचे तक कोई कटा नहीं था, कहीं कट नहीं, एक समान सिला हुआ था, इसी वजह से उसको ना फाड़े बोल करके उसके ऊपर उन्होंने चिट्टी डालता हुआ। इसका मतलब है मसीह का वो कपड़े को ऐसे ही उन्होंने उतारा है। और बृहदारण्य उपनिषद में लिखा हुआ है 3:9 के अंदर, उस जो बलि अर्पित करने वाला वो व्यक्ति जी उड़ना है। और वहां पर सवाल किया है कि अगर वृक्ष को जड़ से अगर निकाल देगा, मार खत्म कर देगा, तो दोबारा उसमें जीवन कैसे आ सकता है। लेकिन यहां पर जीवन आना जरूरी है। उस प्रजापति यदि वो बलि याग पुरुष बन करके आया है, उनको दोबारा जीवन आना जरूरी है। हम लोग पवित्र बाइबल में मत्ती का सुसमाचार, मार्कोस, लूकस, योहन सब में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीही पुनर्जीवित हुआ। इसके बाद 40 दिनों तक लोगों को दर्शन देकर के अपना जीवित रहने का साक्ष्य भी दिया, शिष्यों के साथ रह करके खाया पिया, उन्हें सिखाया, इसके बाद उनके आंखों के सामने वो स्वर्ग चढ़ा था। तो यहां ये जो लिखा हुआ बृहदारण्य उपदेश में जो लिखा हुआ बातें ईसा मसीह में बाइबल के अंदर पूरा होता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। और उससे बढ़ करके भगवत गीता 4:31 में, भगवत गीता का 4:31 में लिखा है, इस बलि पशु का मांस को ग्रहण करना, भोजन के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। जिस बलि पशु को आप अर्पित कर रहा है उसका मांस खाना जरूरी है। हमें मालूम है ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि के पूर्व संध्या में रोटी और दाकरस का रक्त रहित बलि अर्पित करते हुए लोगों से कहा, शिष्यों से कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। जो योहन का सुसमाचार 6:56 से आगे हम लोग पढ़ते, जो मुझे खाता है उसे आनंद जीवन मिलेगा। और यही भगवत गीता में लिखा हुआ है, यदि एक व्यक्ति को परमात्मा में एक होना है, अर्थात उन्हें आनंद जीवन या मुक्ति प्राप्त करना है, इस याग बलि का, उस बलि जो अर्पित किया है उसका मांस ग्रहण करना जरूरी है। हम क्रिस्तीय लोगों को भी ईसा मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए मसीह ने दिया, और हम रोज रोटी दाकरस के रूप में उसको ग्रहण करता है। और इस प्रकार अनेकों बातें हैं जो चाहे पुराण में लिखा हुआ है, चाहे वेदों में लिखा हुआ है, भगवद गीता में जो लिखा हुआ है, ये जो प्रजापति के विषय में या जो बलि पुरुष, जो याग पुरुष के विषय में जो लिखा हुआ, जो संसार को मुक्ति देने के लिए, पाप से मुक्ति देने वाला है,
ये लिखा हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, जो चर्च को फोड़ने वाले, चर्च के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ जो कार्य करने वाले, आप बताइए आपके विश्वास के अनुसार किस में ये बात पूरा हुआ है। हमारा विश्वास है इन सारे बातें हमारे बाइबल के अंदर, हमारे मसीह में पूरा हुआ है। तो मंदिर को, सॉरी, चर्च को तोड़ने के पहले माता मरियम का मूर्ति हो या ईसा मसीह का मूर्ति हो, उसके ऊपर गुस्सा निकालने के पूर्व में क्रूस जो मुक्ति का चिन्ह है उसके ऊपर आपका गुस्सा निकालने के पहले पहले इसको पढ़ लीजिए और उसका उत्तर थोड़ा ढूंढ लीजिए। ये बात किसके विषय में लिखा हुआ है, ये प्रजापति या ये याग पुरुष कौन है जिसका शरीर खाने से हमें मुक्ति मिलता है, जिसने अपने को अर्पित किया, बलि अर्पित किया, रक्त बहाया, मानव जाति को पापों से मुक्ति दिया, वो कौन है? इन पुराणों में, इन वेदों में लिखा हुआ ये कौन है, आप थोड़ा बताइए। हमारे बाइबल के अनुसार ये सब ईसा मसीह में पूरा हुआ, इसलिए आपको और हमें मुक्ति की जरूरत है। ईसा मसीह में विश्वास करना जरूरी है। ईसा मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें आनंद जीवन मिलता है, हमें मुक्ति मिलता है, हमें स्वर्ग मिल जाता है। यदि आप स्वर्ग राज्य चाहता है, मुक्ति चाहता है, ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। संसार में जो दिया आया, प्रभु ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार दिया है 8:12 में कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। वो ज्योति बन करके आया, मानव जाति का पापों का मुक्तिदाता के रूप में आया। हम लोगों ने पाप किया, प्रभु ने उसका प्रायश्चित किया। हमने गुनाह किया, उन तमाम गुनाहों को प्रभु ने अपने ऊपर क्रूस के रूप में उठाया, इसलिए उन्हें क्रूस के साथ बांध करके मार डाला। वह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के कारण हमें उन पापों से मुक्ति मिल गया है। बेटा ने गलती किया, उसका भुगतान एक पिता करता है। पिता उसका भुगतान करने के कारण जो नुकसान बेटे के द्वारा किया, इसलिए बेटे को रिहा करता है। यही ईसा मसीह ने किया। मैंने गुनाह किया, मेरे प्रभु आकर के मेरे पापों का प्रायश्चित कर मुझे मुक्ति दिया। इसलिए ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा उन्होंने अपने शरीर में जितना सहन किया, अपमान निंदा को सहन किया, हमारे हर एक पाप का प्रायश्चित प्रभु ने किया। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, उन्हें मुक्ति मिलेगा। आइए हम एक बात अपने हृदय में स्वीकार करें, यीशु मेरे लिए संसार में मनुष्य बनकर के आया, यीशु मेरे पापों का प्रायश्चित कर मुझे पाप मुक्ति दिया, और यीशु वो द्वार है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग जा सकता है, पिता से एक हो सकता है। यीशु में मैं विश्वास करता हूं, वही मेरा मुक्तिदाता है। बस इतना बोलना है, इतना विश्वास करना है, इसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।